हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो गाइस, इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आप सभी को जो भी मटेरियल चाहिए उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे आप सभी को जो फोजिक फाइल को जो और जो सेकेफी फाइल है दोनों को इम्पोर्ट कर लेना है अलर्टमेंस ऐप के अंदर। फिर यहाँ पे अलर्टमेंस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे चले जाने प्रोजेक्ट सेक्शन पे, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को जो नीचे की तरफ आना है, और फिर यहाँ पे आपको राइट की तरफ कुछ जो लेयर देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे लेयर देख कर आप सभी को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेयर में जहाँ पे इमेज लिखा होगा वहाँ पे आप सभी को जो फोटो ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने के लिए सिंपली इमेज लिखा होगा इस लेयर पे क्लिक करना है, और फिर ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फील पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे मीडिया नॉट फाउंड यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी फोटो पसंद है उस फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर ऊपर प्लस बटन पे क्लिक कर देना है और फोटो ऐड हो जाएगा। तो फोटो ऐड हो जाने के बाद आप जो है सिंपली बैक चले जाना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे जितने भी इमेज लिया है तो यहाँ पे दो इमेज लिया है, तो यहाँ पे पहला तो मैंने ऐड कर दिया, दूसरे यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे इसके आगे चले जाना है, और फिर यहाँ पे आप सभी को जो है यहाँ पे भी एक इमेज लिया देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह से जो है फोटो लगा देना, और उसके आगे जाएंगे तो उसके आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो छह इमेज लिया देखने को मिल जाएगा। तो उन छह इमेज लिया में आप सभी को जो फोटो ऐड करना है, और सारे इमेज लिया पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फोटो लगा देना है, उसके बाद इसके आगे चले जाना है, और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ पे भी आपको कुछ इमेज लिया देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस फोटो ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको इमेज लिखा होगा तो आपको बस ऐड कर देना है, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपको जो है लेयर देखने को मिल जाएगा इमेज को वहाँ पे बस ऐड कर लेना। उसके बाद एकदम आपको क्या करना है, इन लेयर के एकदम लास्ट में यहाँ पे चलाना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक इमेज लेयर दिखेगा सिंगल, यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फील पे जाना है, मीडिया नॉट फाउंड यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे एक फोटो का ऐड कर लेना है, और प्लस बटन पे क्लिक कर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे फोटो लगाने के बाद इस एरो पे क्लिक कर देना है, जैसे आप नेक्स्ट बीट मार्क पे पहुंच जाएंगे उसके बाद यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और फिर यहाँ से एक फोटो को ले लेना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना, और चाहे तो आप यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट से एडजस्ट कर लेना, और उसके बाद इस एरो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको और एक फोटो यहाँ पे ले लेना है, और यहाँ पे डबल बीट मार्क इसलिए आपको यहाँ पे दो बार प्रेस करना है, उसके बाद इस पे क्लिक करके कट कर देना है, फिर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है। तो इस तरह से आपको सारे बीट मार्क के फोटो लगाना है, लगा देते हैं, उसके बाद आपको सिंपली इस प्रोजेक्ट से बैक चले जाना है, और फिर यहाँ पे आप सभी को जो सेकेफी प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इफेक्ट पे जाना है, और थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर इस प्रोजेक्ट से सिंपली बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, एकदम राइट की तरफ जाना है, और राइट की तरफ चले जाना है, तो यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे पहला जो लेयर इसको छोड़ के यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आना है 20 सेकंड यहाँ पे आना है, और यहाँ पे सिंगल आपको बीट मार्क दिख रहा है, इसके नीचे जो फोटो लेयर यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे इसके आगे जो है आपको डबल बीट मार्क दिख रहा है इसको छोड़ देना है, तो इसके आगे आपको सिंगल बीट मार्क दिख रहा है, तो सिंगल बीट मार्क के नीचे जो फोटो है वहाँ पे आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है, तो इफेक्ट ऐड करने से पहले लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सिंगल बीट मार्क है तो आपको भी जो है यहाँ पे भी जो आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है, क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपको डबल बीट मार्क दिख रहे तो इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ पे सिंगल बीट मार्क है तो यहाँ पे आपको जो है इस इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो इस तरह से जितने भी सिंगल बीट मार्क है वहां पे नीचे जो लेयर है फोटो लेयर वहां पे इस फोटो को इफेक्ट को ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली बैक चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से सेक इफेक्ट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सेकेंड इमेज लेयर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर इफेक्ट पे जाना है,
थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके, कॉपी इफेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और इन चारों लेयर को आप सभी को जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है कॉपी फोर लेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैक चले जाना है, फिर से यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट की तरफ स्वाइप करना है और यहाँ पे आना है 20 मिली सेकेंड यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको डबल बीट मार्क इसके नीचे इस लेयर पे आपको इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो जितने भी यहाँ पे आपको डबल बीट मार्क दिखेगा उसके नीचे लेयर पे यहाँ पे आज जो इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से सभी जो है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट की तरफ आ जाना है और तो यहाँ पे आना है 90:20 मिलीसेकंड यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फर्स्ट फोर लेयर कर देना है। तो फर्स्ट फोर लेयर कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये इफेक्ट जो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या करना है, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग में चले आना है और फिर यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, ऑडियो सेक्शन पे चले जाना है और फिर यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सॉन्ग्स पे क्लिक करना है तो आपके जितने भी म्यूजिक है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और फिर आपको जो है उस सॉन्ग को यहाँ पे आपको देखना है, ढूंढना है और फिर यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद बस आपका वीडियो बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप सभी को इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के और भी चैनल वीडियो चैनल पे आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।